लो भाई बब्बन, बन गई तस्वीर। जरा देखकर बताओ कैसी बनी है। अरे भाई मोहन, मेरी सलाह मानो तो तुम रह नहीं दो। एक पेंटर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। खैर आज शाम की गाड़ी से मैं शहर वापस जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। शहर से वापस आने के बाद तुमसे मिलता हूँ। मोहन अपने घर के दरवाजे पर ताला लगा देता है और वहां से चला जाता है। फिर उसी रात अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं, चारों तरफ डरावना माहौल बन जाता है। तभी मोहन की बनाई हुई पेंटिंग की वो औरत एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है और पेंटिंग से बाहर आ जाती है। चुड़ैल घर के बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ दो चोर लाला सुखीराम के घर से चोरी करके भाग रहे होते हैं। दोनों भागते भागते गांव के चौराहे के पास पहुंच जाते हैं। तभी अचानक वो चुड़ैल उन दोनों के सामने आ जाती है। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहां से आ गई? अरे मैंने तो तुझसे पहले कहा था कि आज अमावस्या की रात है, आज हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई बिल्ला, तुमने बिल्कुल सही कहा। जरा इसकी दांत तो देखो कितने बड़े हैं। चुड़ैल उन दोनों की तरफ बढ़ती है। अरे चुड़ैल दीदी, तुम चाहो तो ये सारे पैसे और जेवर ले लो, लेकिन हम दोनों को कुछ मत करना। पैसे और जेवर के लालच में तुम इंसान बिकते हो, हम चुड़ैल नहीं। तभी चुड़ैल उन दोनों चोरों को पुतले बना देती है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब कोई मुझसे नहीं बच सकता। चुड़ैल अपने अगले शिकार की खोज में वहां से चली जाती है। गांव की दूसरी ओर जाने पर चुड़ैल को हरिया, बिरजू और बब्बन दिखाई देते हैं। आज संडे है, आज कपिल शर्मा शो देखने का दिन है। जोर से बोलो, आज संडे है। मैंने नहीं सुना। आज संडे है, आज कपिल शर्मा देखने का दिन है। हाँ ये हुई ना बात। अरे ये कपिल शर्मा कौन है जो ये लोग उसे देखने के लिए इतने उतावले हुए जा रहे हैं? खैर मुझे क्या, मैं अभी इन दोनों को मजा चखाती हूँ। चुड़ैल तेजी से उड़कर उन तीनों के सामने आकर खड़ी हो जाती है। कपिल शर्मा शो बाद में देखना, पहले मुझे देख लो। बब्बन चुड़ैल को देखते ही पहचान जाता है। अरे ये तो तस्वीर वाली औरत के जैसी दिख रही है, मुझे अभी नहीं मरना है। अरे भागो रे। तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं। बब्बन तो किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है, लेकिन हरिया और बिरजू को चुड़ैल पकड़ लेती है और उन्हें पुतला बना देती है। फिर चुड़ैल बब्बन को पकड़ने के लिए उसका पीछा करती है, लेकिन बब्बन उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अरे वो मोटा तो बड़ा तेज भागता है, शायद उस तरफ गया होगा। बब्बन एक दीवार के पीछे छुपकर बैठ जाता है और चुड़ैल उसके सामने से आगे निकल जाती है। बाल बाल बच गया। अगली सुबह बब्बन सभी गांव वालों को सारी बात बता देता है। फिर उस चुड़ैल के डर से रोज शाम होते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था और कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। अरे ये क्या हो गया, इतनी देर से घूम रही हूँ, अभी तक एक भी आदमी नहीं मिला। अरे कहाँ मर गए सबके सब। चुड़ैल वहां से चली जाती है।
इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन गांव वापस आता है। बब्बन उसे बताता है कि उसकी बनाई तस्वीर से एक चुड़ैल बाहर आ गई है। मोहन समझ जाता है कि ये कोई आम कागज नहीं है। वो जो भी उस कागज पर बनाएगा वो असलियत का रूप ले लेगा। अरे मोहन भाई, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरे पास एक बहुत बढ़िया तरकीब है। मैं इस कागज पर उस चुड़ैल की एक ऐसी तस्वीर बनाऊंगा जिसमें वो तपती धूप के नीचे खड़ी दिखाई देगी, और फिर जैसे ही सवेरा होगा वो चुड़ैल इस कागज से निकलकर बाहर चली जाएगी और सूरज की तेज धूप में जलकर राख हो जाएगी। मोहन बिल्कुल वैसे ही तस्वीर बना देता है, और जैसे ही सवेरा होता है वो चुड़ैल कागज से निकलकर बाहर धूप में चली जाती है और सूरज की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती और जलकर राख हो जाती है। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। और इस तरह चुड़ैल के जलते ही पुतले बने सभी लोग पहले की तरह इंसान बन जाते हैं।